अगेन से इंट्रोडक्शन मुझे एक्चुअली मेरे चाचा की वजह से हुआ, मसूद इकबाल, जो कि पाकिस्तान के लिए साइड गेम खेल चुके हैं लेकिन पाकिस्तान टीम में नहीं आ सके। उनके साथ शुरू से ही काफ़ी क्लोज थी, तो उनको देखती थी क्रिकेट खेलते हुए, उनकी क्रिकेट के किट में जो रेड बॉल था उससे काफ़ी फैसिनेट होती थी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर स्कूल में जाके लड़कों को खेलते देखा, तो उनके साथ फिर टेप बॉल स्टार्ट की थी। फॉर्चुनेट में ये रही कि क्रिकेट जब मैं खेल रही थी कॉलेज में, तो मेरी जो स्पोर्ट्स टीचर है मैं सुमेरा, उन्हें पता था कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलती हूँ, तो PCB ने ट्रायल्स लाहौर रीजन के लिए अरेंज कराए थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि आप क्यों नहीं ट्रायल्स देते, तो मेरी मदर जो है उनको ज़्यादा था कि मैं पढ़ाई करूँ, स्पोर्ट्स में इतना वो इनकरेज नहीं करती थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता है मेरी मदर का। उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम विद इन कॉलेज टाइम वापस आ जाएंगे, तो आप जाके ट्रायल्स लाजमी दो। तो मैं उनके साथ चली गई, ट्रायल्स दिए, सिलेक्ट हो गई। जब वापस आए तो लेट हो गए थे हम, मेरी मदर गेट पर वेट कर रही थी, तो मैंने अपनी टीचर को ही आगे कर दिया कि आप बात करें जाके। तो उन्होंने फिर उन्हें बताया कि सिलेक्ट हो गई, अच्छा खेलती है, तो आप इसको क्रिकेट में परस्यू करना था। शौक़ था मुझे कमेंट्री का शुरू से, जब खेल भी रही थी, डिबेटिंग का भी शौक़ था कॉलेज और क्लब, मतलब उसमें जो क्लब था डिबेटिंग का उसमें रही। इवेंचुअली जब 2017 में मैं इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो आई यूज़ टू फॉलो मेलेनी जोन्स, जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर भी हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू देने के दौरान आई रियलाइज़ कि वर्ल्ड कप में काफ़ी फीमेल कमेंटेटर्स हैं लेकिन पाकिस्तान से कोई भी नहीं है। तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं जब भी गेम छोड़ूंगी आई विल परस्यू दिस एज अ करियर। और आइडियलाइज ऑब्वियसली मैंने जब शुरू किया तो ज़ाहिर है रमीज़ भाई के साथ, मार्क निकलस, वो मेरे आइडियल रहे हैं, उनके एनालिटिकल जो इनपुट है वो अच्छा है। उसके बाद मेलेनी जोन्स, फीमेल में अगर मैं बात करूँ तो शी इज़ बीइंग सॉर्ट ऑफ अ मेंटर टू मी, तो उनको मैं फॉलो करती हूँ। आई वॉज वेरी क्लियर द मोमेंट आई स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग, मैंने एक सीरीज कवर की थी, PCB वॉज वेरी सपोर्टिव कि मुझे उन्होंने मौका दिया। उसके बाद आई वेंट टू इंग्लैंड, मैंने कमेंट्री कोर्स किया गेविन स्कॉबल के साथ। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैंने इस चीज़ को करना है, बस यूँ तो प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि टोटली डिफरेंट फील्ड है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक उठा के आप बोलने लग जाओ। तो आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट आई रियलाइज़ के थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना, स्पेशली अगर आपने एक फील्ड को एज अ करियर लिया हो, तो यू हैव टू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट, तो उस पर पूरा टाइम देना चाहिए। स्पेशली अब जैसे ICC फ्यूचर लीडर प्रोग्राम में मेरा नाम आया, तो आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट के उसको अगर कैपिटलाइज करना है उस अपॉर्चुनिटी पर, तो मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा इसको। पहला मैसेज जो मेरा सबको मैं देती हूँ वो ये है कि स्ट्रगल आपको किसी भी फील्ड में फेस करनी पड़ेगी, तो आपको अपने ऊपर बस यकीन रखना है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन रखना है, एंड येस यू हैव टू बिकम बेटर वट एवर फील्ड यू चूज़। सो जो भी चीज़ आप चूज़ करते हैं वर्क ऑन इट, उसकी बाकायदा आप अगर आपको एजुकेशन मिल रही है कहीं से सीखने का, ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो ज़रूर लें, बिकॉज इनडेफिनेट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्थ। सो आई वुड से इन अ शॉर्ट वर्जन के बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर इट।